हेलो फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं, तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि बहुत बड़ा स्कैम हुआ है यहाँ पे। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि यार ये कंपनी का नाम तो आपने सुना ही होगा जिसका नाम है वर्ल्ड वीज। बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोज पड़े हुए हैं, रिसेंटली बहुत लोगों ने वीडियोज डाले भी है इसके। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि यार जिसको नहीं पता है कि इसका काम है जो वीआर इक्विपमेंट्स रहते हैं, लाइक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे यूज होते हैं, स्पोर्ट्स पे यूज होते हैं, जो वीआर इक्विपमेंट्स ये रेंट पे देते हैं। रेंट पे देने के बाद कुछ टाइम यूज करते हैं और उसके बाद इसके ऊपर प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, अब ऑब्वियसली कोई लोग यहाँ पे परचेस करेगा, फॉर एग्जांपल 560 का प्रोडक्ट है, तो उसके बाद उसके ऊपर उसको कुछ प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, 50 से 60 दिन के बाद, तो कुछ इस तरह से ये कंपनी काम करती थी, है ना। मैं आपको बता दूं कि यार ऐसे करके बहुत से लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्ट भी किया है। मैंने खुद ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया था 1-1.25 लाख रुपए का। ठीक है, एंड सारे के सारे पैसे डूब गए यहाँ पे दोस्तों। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि यार ये जो कंपनी है, जो क्लेम करती है, यूएस की कंपनी है। एंड यहाँ पे बेसिकली एक चीज क्लियर करना चाहता हूं कि यार जब भी किसी कंपनी का हम प्रमोशन करते हैं ना, तो पूरी इंक्वायरी निकालते हैं, लाइक उनका ऑफिशियल बिजनेस गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन मांगते हैं, एंड जो भी प्रोडक्ट वो लॉन्च कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट रहती है जिसमें वो पहले हम खुद यूज करते हैं, बाद में ही उसका वीडियो बनाया जाता है। सिमिलरली इस केस में भी हमने ऐसा ही किया था। ठीक है, कंपनी का सर्टिफिकेशन मांगा था। ठीक है, और जो जो भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स रहती वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से ली थी और हमने यूज करके देखा, और एक महीने के बाद हमको अच्छा यहाँ से इन्वेस्टमेंट का जो प्रॉफिट है वो मिल रहा था। इसी के बाद हमने यहाँ पे वीडियो डाला। ठीक है, और वीडियो के डिस्क्लेमर में हम हमेशा बोलते हैं, वीडियो में भी बोलते हैं कि यार हम बस आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आपको आपके मर्जी पे अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है तो आप कर सकते हो, हम यहाँ पे कोई फोर्स नहीं कर रहे आपको इन्वेस्टमेंट के लिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, हम आपको बस बताते कि यार जो पहले फ्री के इक्विपमेंट्स मिल रहे हैं ना वो यूज करिए, मतलब 0 रुपीज देके कुछ प्रॉफिट मिल रहा हो तो वो वैसा देखिए। ठीक है, तो यार यहाँ पे बेसिकली हमने ये सब चीजें की थी। ठीक है, सब कुछ नॉर्मली चल रहा था, सारी चीजें बराबर हो रही थी। ठीक है, मतलब ऐसा पकड़ लीजिए कि 1 से 1.5 महीना लोगों ने बहुत ज्यादा अर्न किया, इससे बहुत पैसे कमाए। ठीक है, विड्रॉ कर पा रहे थे बहुत, लेकिन उसके बाद क्या होता है ना, बहुत ही बड़ा झमेला हो गया यहाँ पे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन गूगल पे ना बराबर अवेलेबल है। कुछ यहाँ पे आपको लगेगा नहीं कि ये कंपनी फ्रॉड कर सकती है। तो अचानक क्या हुआ है ना, पिछले 2 दिन से विड्रॉ होना बंद हो चुका था। मतलब आप यहाँ पे डेली विड्रॉ कर सकते थे, तो लास्ट 2 डेज से यहाँ पे विड्रॉ होना टोटली बंद हो गया। तो क्या किया मैंने कि जो कमला नाम की यहाँ पे बंदी है, जो कि यहाँ पे इंडियन हेड बोला जा सकता है या फिर स्पोक्स पर्सन बोला जा सकता है, ठीक है, तो उसको मैंने मैसेज किया कि यार बहुत सारी कमेंट्स आ रही है यार, ये विड्रॉ नहीं हो पा रहा है। मैं आपको लाइव चैट भी दिखा देता हूँ, तो आप वो देखिए एक बार। तो देखिए गाइस, जैसे ही मेरे को आपसे रिस्पॉन्स आ रहा था कि आपके पैसे विड्रॉ नहीं हो पा रहे, तो मैंने इसको ऑफिशियली मैसेज किया था। ठीक है, आप ये बंदी को जानते ही होंगे कि इसका नाम है कमला, है ना। बहुत सारे नंबर्स थे इसके ग्रुप पे। यहाँ पे आप देखिए कि मैंने उनको बताया कि मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे उनके पैसे विड्रॉ नहीं हो पा रहे। तो वो बोली कि मेरे को स्क्रीनशॉट दिखाइए, तो मैंने इनको ये स्क्रीनशॉट भेजा। ठीक है, आप में से बहुत से लोगों ने किया था यहाँ पे। तो उसने कहा था कि यार फाइनेंस सीख है करके, और वो 5 बजे तक वगैरह ठीक हो जाएंगे। वो 5 बजे हो गए, लेकिन उसके बाद भी ये सेम प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो वो बोलते कि मैं हैंडल कर लूंगी। तो फिर मैंने बोला कि यार बहुत से लोगों को ये भी था मैसेज कि यार हम उसको ग्रुप पे मैसेज कर रहे थे, तो वो लोग हमसे मिसबिहेव कर रहे, बैंक का अकाउंट ये करने की कोशिश कर, मतलब धमकियां दे रहे करके कि वो फ्रीज कर देंगे वगैरह। ठीक है, तो ये चीज़ भी मैंने उसको बताया, तो वो बोली कि मैं हैंडल कर लूंगी। ठीक है, तो मैंने बोला कि यार सब लोग हमको गालियां मार रहे ऑब्वियसली, तो उसने कहा कि डोंट वरी, दिस पीपल्स आर इरेशनल, वो फाइनेंस सीखे, मैं उनको बता दूंगी करके अच्छे से। तो फिर वो बोली कि व्हाट इज द, मैंने उसको पूछा कि यार इसका अल्टरनेटिव क्या है, कैसे लोग विड्रॉ करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, तू ऑफलाइन जाती है तो हम आपको कांटेक्ट कैसे करें, आपके दूसरा नंबर तो है ही नहीं, है ना। तो बेसिकली इसने कोई दूसरा नंबर दिया ही नहीं था कभी, है ना। तो उसने बताया कि फाइनेंशियली सीख है, आज ऑफिस बंद है, ये सब चीजें बता रही थी। ठीक है, बिकॉज आई एम बिजी विद अदर थिंग्स, आई विल बी ऑनलाइन, बाद में ऑनलाइन आ जाऊंगी करके ये भी बताया उसने। ठीक है, फिर बोलती है कि मैंने उसको बोला कि मेरे को पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर दे, क्योंकि मेरे को जो कमेंट्स आ रही है ऑब्वियसली कि यार विड्रॉ नहीं हो पा रहे, मेरे खुद के इतने सारे पैसे थे वो भी विड्रॉ नहीं हो पा रहे, तो करना कैसे। तो ये मैंने उसको बताया, तो वो बोली कि मैं आपको बाद में बताती हूँ। एंड मैंने उसको बताया कि यार कैसे ये करेगा करके। ठीक है, तो उसने बोला कि यार वो अभी कुछ नहीं कर सकते, बाद में बताती हूँ। अब मैं आपको थ्रेटनिंग का दिखाता हूँ।
तो अब यहाँ पे आपको पता चलेगा कि वो थ्रेटनिंग के मैसेजेस क्या थे। आप देखो कि आप में से बहुत से लोगों के कमेंट्स थे कि यार विड्रॉ नहीं हो पा रहे, तो मैंने उसको बोला कि मेरे को एक ऑफिशियल मेल भेज करके कि क्यों विड्रॉ नहीं हो पा रही है प्रोसेस, ताकि मैं अपने सब्सक्राइबर्स को बता दूँ उनका पैसा नहीं जाना चाहिए ये। फिर उसने क्या किया, मैंने उससे बात की कि उनका पैसा नहीं जाना चाहिए, तो फिर उसने मैसेज किया कि आई हैव सम थिंग्स आई वॉन्ट टू टॉक विथ यू। तो मैंने बोला कि हाँ जरूर जल्दी बताया करके। तो फिर बोली कि आई हैव सम वेरियस सीरियस मैटर्स टू डिस्कस विथ यू। दिख रहा है आपको, यू नो योर टीम नाउ हैज 300+ पीपल्स, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। मैंने बोला कि हाँ उन्होंने 4 लाख से भी ज्यादा रिचार्ज किया है, एंड आई नाउ हैव योर फोन नंबर एड्रेस, ये सब चीज़ें। ऑब्वियसली उसके पास मेरा सब चीज़ें गलत ही थी, है ना, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि उसने भेजा यू सेड आई सेंड टू ईच ऑफ देम एंड आस्क देम टू कम टू यू, वॉट डू यू थिंक विल हैपन टू यू। ये मेरे को धमकियाँ दे रही है बेसिकली कि भाई मैं तो अमेरिका चले जाऊँगी, बाकी सब लोग फिर तेरे पास ही आएंगे पैसे देने के, पैसे मांगने के लिए, ये सब चीज़ें, ठीक है। ये ड्यू टू मैनी अनप्लेजेंट थिंग्स दैट हैव हैपन बिटवीन मी एंड योर मेम्बर्स आई डू नॉट वॉन्ट टू दिस कंटिन्यू। मतलब उसका ऐसा कहना था कि जो जिसने उन्होंने भी इन्वेस्ट किया है मेरे के, मतलब ये लिंक के थ्रू बेसिकली, तो मेरा और उनका जम नहीं रहा, इसलिए मैं छोड़ के जा रही हूँ अमेरिका एंड मेरे को कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आई विल पब्लिश दिस इन्फॉर्मेशन इन योर स्कूल, योर सिस्टर, ये वो सारी चीज़ें क्या बोल रही है उसको उसका पता, ठीक है। फिर बोल रही है कि यू विल पे ह्यूज सम्स ऑफ मनी एंड यू विल गो टू जेल, आई मीन ऑल विल नॉट रिसीव देयर विड्रॉल्स। मैंने उसको पूछा कि ये तू क्यों कर रही है करके, क्योंकि वो बोल रही है कि मेरे को अमेरिका वापस जाना है करके, ठीक है, इसलिए मैं आपसे थ्रेटनिंग कर रही हूँ। और ये मेरे को फिरौती की रकम मांग रही थी, इन द सेंस कि भाई मैं आपकी इन्फॉर्मेशन रिवील कर दूंगी सबके साथ, ठीक है, और आपके फैमिली को भी प्रॉब्लम जाएगा, देख सकते हैं, वॉन्ट टू बियर योर फैमिली, तो यहाँ पे ये भी लिखा है, ठीक है। आपको इसका इफेक्ट देखना है क्या, तो आप देख सकते हो। मैंने बोला कि मैंने उसको पूछा कि ये क्यों कर रही है करके तू, ठीक है, तो वो बोल रहे कि डू यू वॉन्ट मी टू रिलीज दिस इन्फॉर्मेशन। मैंने उसको बोला कि ये मेरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो बोल रहे कि ओके इट्स नॉट योर्स देन आई विल सेंड इट टू एवरी वन नाउ। मैंने उसको पूछा कि ये क्यों कर रही है, यू डोंट रिग्रेट। मैंने बोला कि आई विल पब्लिश यूर कंपनी फ्रॉड ऑन यूट्यूब ऑल्सो, वो बोल रही कि सो डू यू थिंक आई यू विल फील बेटर, क्योंकि मैं तो तुम्हारी इन्फॉर्मेशन डाल दूंगी करके, आई विल टेल एवरी वन यूर फ्रॉड टू करके, ठीक है। तो फिर इसने मेरा ये जो डेटा है ना, जो फेक वाला डेटा है, वो बना दिया। एंड कैसे उसने ये स्कैम किया देखिए, उसने मेरे को 5 मिनट मांगे, मेरे को 5 मिनट के अंदर अंदर पैसे चाहिए करके, ठीक है। 5 मिनट्स टू स्टार्ट गिविंग यू अ चांस टू कंसीडर, ठीक है। आई डोंट हैव टू मच पेशेंस, माई रिक्वेस्ट इज नॉट टू मच, ठीक है। यू आर इन वर्ल्ड वाइज अ टोटल ऑफ 61,000 रुपीज टू बी विड्रॉन रिटर्न टू मी, ठीक है। तो वो बोल रही है कि 61,000 मुझे दे दो, और बोल रही है कि आपको ये जो ये है, मतलब आपके जो, मतलब 61,000 मेरे को एक बार दे दो, तो मैं आपकी इन्फॉर्मेशन रिवील नहीं करूँ। मैं क्यों दूँ भाई 61,000 किसी को, ऑब्वियसली। तो उसका ये कहना था कि तुम 61,000 नहीं दे रहे हो, तो मैं सबको बता देती हूँ कि भाई ये तुमने ही फ्रॉड किया है करके, ठीक है। डोंट वरी, आई जस्ट वॉन्ट मनी, आई एम लिविंग, आई एम बैक टू अमेरिका, वॉट एम आई डूइंग विथ योर इन्फॉर्मेशन एज लॉन्ग एज यू गिव मनी। तो मतलब वो फिरौती मांग रही थी मेरे को कि भाई तुम मेरे को ये पैसे दे दो करके, तो मैं आपकी इन्फॉर्मेशन रिवील नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे को ये पता कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स है वो बिल्कुल जेंटल है, लॉयल है, ठीक है, वो मेरे पे ट्रस्ट करते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे ये जो कंपनी है, ये कंपनी सर्टिफाइड थी, इसलिए अपन ने वीडियो बनाया। एंड मैंने वीडियो में ये भी बताया था कि आप पहले खुद देखिए, एक बार जांच के देखिए, ठीक है, पहले 0 रुपीज से चालू करिए, उसके बाद धीरे 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 अगर आपको करना है इन्वेस्ट तो करना, वरना मत करना, क्योंकि हम कभी भी आपको पैसे इन्वेस्ट करने की सलाह नहीं देते हैं किसी भी चीज़ में, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन में नीचे पढ़ सकते हो, है ना, वो एक डिस्क्लेमर डाला हुआ रहता है हर इसमें, ठीक है, और वीडियो में भी हम बोलते रहते हैं। तो ये ऐसा फ्रॉड हुआ है गाइज, मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ कि डिस्क्लेमर में मैंने क्या लिखा था। आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पे जैसे कि ये प्रीवियस वीडियो था अपना, है ना, यहाँ पे मैंने वर्ल्ड वीज के बारे में जो बताया था, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने क्लियर डिस्क्लेमर डाला था कि यार ये जो चैनल है अपना नौकरी फाइंडर्स, डज नॉट प्रमोट और एनकरेज एनी इलीगल एक्टिविटीज। ऑल द कंटेंट प्रोवाइडेड बाय दिस चैनल आर मेड फॉर एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेशनल पर्पज ओनली। आई कैन नॉट गारंटी यू विल मेक मनी नॉर विल हैव सेम एक्सपीरियंस एज माइन। तो मैं कभी ये गारंटी नहीं था कि जैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा वैसे ही आपका एक्सपीरियंस रहेगा। आई एम जस्ट शोइंग द डिफरेंट वेबसाइट्स, एप्स एंड मेथड दैट्स हैव पोटेंशियल टू मेकिंग द मनी। तो ऑब्वियसली आपने पहले एक डेढ़ महीने में बहुत सारा पैसा कमाया था यहाँ से, है ना, बहुत अच्छा अच्छा विड्रॉज कर पाए थे आप, है ना, उसके बाद कंपनी फ्रॉड करती है, उसमें हमारा कोई ये नहीं रहेगा, है ना। और मैंने यहाँ पे क्लियर लिखा कि आई एम नॉट ऑल्सो योर फाइनेंशियल एडवाइजर, सो मेक श्योर यू विल ऑलवेज डू योर ओन रिसर्च एंड टेक योर ओन रिस्क, है ना। तो जो आपने रिस्क लिया, इन्वेस्टमेंट किया, वो मेरे
कहने पे तो ऑब्वियसली नहीं किया, आपने खुद से ही किया है, ठीक है। डिस इन्फॉर्मेशन इज नॉट द ओरिजिनल क्रिएशन एंड इज जस्ट अ स्टैटिस्टिकल फैक्ट ऑफ वैकेंसीज प्रोवाइडेड बाय वेरियस सेकेंडरी सोर्सेज। देयर इज नो ओरिजिनल क्रिएशन ऑफ कंटेंट एंड हेंस फॉर नो कॉपीराइट। ऑल्सो कॉपीराइट डिस्क्लेमर अंडर सेक्शन 107 ऑफ द कॉपीराइट एक्ट ऑफ 1976 अलाउंस इज मेड फॉर फेयर यूज फॉर पर्पजेज सच एज क्रिटिसिज्म, कमेंट्स, न्यूज रिपोर्टिंग, टीचिंग, स्कॉलरशिप, एजुकेशन एंड रिसर्च। तो दोस्तों मैंने आपको जैसे क्लियर कर दिया था वीडियो में कि यार अगर आप वीडियो ऑब्वियसली जब इन्वेस्ट करते हो तो पहले जो मैंने आपको बताया था कि फ्री वाला जो है ना वो करके देखना है ना, जो फ्री वाला है उसके बाद आपको 5 दिन के बाद 6 दिन के बाद 40 रुपए मिलते हैं, तो उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो अगर आपकी इच्छा हो तो, है ना। आप प्रीवियस वीडियोज भी देख सकते हो, उसमें भी मैंने यही कहा था। ऑब्वियसली बात है कंपनी ये फ्रॉड निकलती है नहीं निकलती किसको पता नहीं था, है ना। तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि यार अगर आपको उनको मैसेज करना है, फोन कॉल करना है, तो वो उसने जो नंबर्स दिए मेरे नाम के अंडर वहां पे बिल्कुल मत करिए, क्योंकि वो किसके हैं, ओल्ड एज पीपल्स के जिनकी एज 80 से भी ज्यादा है, उनको कुछ पता भी नहीं है इस चीज का, रैंडम नंबर दे दिए उन्होंने, ठीक है, क्योंकि उनको कॉल करना नहीं चाहिए किसी ने इसलिए, ठीक है। तो यार आप जो कमला वाले नंबर्स है उनको कांटेक्ट करके देखिए, या फिर वर्ल्ड वीज की जो वेबसाइट है उनके जो कस्टमर केयर के नंबर्स है उनको एक बार ट्राई करके देखिए, क्योंकि हमने यहाँ पे पुलिस में साइबर इसमें साइबर सेल में करके मतलब बात करके देखी है। उनका यही कहना रहता कि यार बहुत सारे फ्रॉड्स होते रहते हैं इसमें, है ना। मेरा यहाँ पे काम था ऑब्वियसली आपको एक बताना कि यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो करके, आपने इन्वेस्टमेंट करी, है ना। तो यार वहां पे बेसिकली ऐसा है कि कंपनी फ्रॉड निकली है, क्योंकि आपने जो पैसे भरे हैं इन्वेस्ट किए फोन पे के थ्रू वो कंपनी को ही किए हैं, है ना। तो सिंपल सी बात है अपने को अभी क्या करना, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे विड्रॉ किए, अपने को वो कंपनी के बारे में पहले ये देखना है कि यार उनको कॉन्टेक्ट करके कैसे अपन यहाँ पे विड्रॉ कर पाए अपने अमाउंट, है ना। क्योंकि यार इतना बड़ा अगर अमाउंट जाता है तो यार किसी को भी लगता ही है, क्योंकि हमारा भी बहुत सारा अमाउंट गया है, क्योंकि जब हम वीडियो बनाते हैं ना वो जेन्युइन वीडियोस रहते हैं, है ना। तो आपके सामने ही मैंने बहुत सारे इसमें इन्वेस्टमेंट करके दिखाया था, और इन्वेस्टमेंट इसीलिए किया था तब हमें ट्रस्ट था इसीलिए, ठीक है, वो भी हमारे हार्ड अर्निंग मनी से। तो यार बहुत बेकार हुआ है ये अपने साथ, तो जितना जल्दी हो सके इससे ओवरकम करने की कोशिश करेंगे। हमने वैसे तो यहाँ पे पुलिस से और इससे बात करी है साइबर क्राइम से, लेट्स सी क्या होता है अभी। और देखिए गाइस कुछ इस तरह से मैसेज कर रही है वो, मतलब देखिए यहाँ पे अगर मेरे को पैसे दिए नहीं तो मैं यहाँ पे आपकी पोस्ट पूरी इसको डाल दूंगी, यहाँ पे पूरा नाम नंबर सब दिया हुआ, देखिए उसने स्क्रीनशॉट भी भेजा और यहाँ पे टाइमर भी भेजा उन्होंने, ठीक है, 10 9 8 7 6 4, ये ठीक है, ये मेरा नाम और नंबर, ये कुछ किसका नंबर है नाम है उसको उसका ही पता, ठीक है। तो ऐसे बहुत से फ्रॉड लोग आते हैं दोस्तों जहाँ पे ये सब चीज़ें होती है, आपको प्लीज़ ध्यान रखना कि इतना बड़ा अमाउंट यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना है। किसी किसी ने तो 3 लाख 2 लाख बहुत सारे अमाउंट इन्वेस्ट किए होंगे, तो यार एक बार ज़रूर देखना कि यार अपना हार्ड अर्निंग मनी किसी भी चीज़ पर ना डाले, ठीक है। क्योंकि जहाँ पे आपको लगता है कि भाई हाँ आप 1-2 हज़ार यहाँ पे झेल सकते हो तो उतना अमाउंट डाले, वो गया तो भी आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट जाएगा तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। ये फ्रॉड जो लोग हैं ये फिर से आएंगे दूसरा नाम लेके, दूसरी कंपनी का नाम लेके, और फिर से अपने को बनाएंगे एड़ा, ठीक है। तो बिल्कुल ये सब चीज़ें बिल्कुल ना करें। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा फ्रॉड नाम डाल के कुछ भी कुछ चीज़ें कर रही है आगे में, ठीक है। तो बिल्कुल इस पर ध्यान मत दीजिएगा, ये हो सकता है कि आपका भी नाम डाल के ऐसा किसी के साथ भी शेयर कर दे ये लोग। तो देखिए गाइस जैसे मेरे साथ हुआ ना वैसे बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है कि किसी का भी नाम दे सकते, उनके बैंक डिटेल्स दे दे रहे, व्हाट्सएप नंबर दे दे रहे, और बोल रहे कि मेरे जो पैसे हैं इनके पास है और इनसे मांग लो आपके जो भी पैसे है, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे लोगों के साथ किया है दोस्तों इन्होंने, ठीक है। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यार आप देख सकते हो कि क्लियर यहाँ पे 2 मिनट है करके आपके पास फटाफट दे दो करके पैसे, ठीक है, और किसी के भी नाम शेयर करें इनसे आप अपने पैसे मांग लो करके। ऐसे बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं दोस्तों, आप देख सकते हो लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे परचेस किए हैं, बहुत नुकसान भी हुआ है। तो मेरा यही कहना है प्लीज़ ऐसे आँख बंद करके इतना बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट मत करिए, ठीक है। तो दोस्तों आपको जो स्क्रीन दिख रही है कुछ ऐसे ही आपको स्क्रीन दिख रही होगी मोबाइल पे, है ना। तो कुछ इसी तरह से मैंने भी आप ही की जैसे यहाँ पे इन्वेस्ट किए थे पैसे, वो भी आपको लाइव दिखाया था मैंने, है ना, कि कैसे मैंने इन्वेस्ट किया है आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, कुछ इस तरह से आपको दिख रहा होगा। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि यार यहाँ पे देख सकते हो जो मेरे ऑर्डर्स है वो भी कुछ इसी तरह से है, ठीक है। लाइक अभी अभी 4900 का खरीदा था जिसको बस 516 रुपए मिले, उसके बाद कुछ भी नहीं मिला, ठीक है। 15000 का मिला था उसके बाद उसके भी कुछ नहीं मिले, ठीक है। तब देख सकते हो यहाँ पे मैंने भी लिया था लेकिन मेरे को भी कुछ भी यहाँ पे रिटर्न नहीं मिला जितना मिलना चाहिए ऑब्वियसली। और
यहाँ पे तो कुछ कुछ ऐसे थे जिसका कुछ भी नहीं मिला, जैसे कि ये 4,900 इसका बस 500 ही रुपए मिले, बाकी कुछ भी नहीं मिला, ठीक है। और वो भी अमाउंट विड्रॉ नहीं हो पा रहे थे जो भी थे, ठीक है, मतलब कोई फायदा ही नहीं हो पा रहा था। मतलब आपको दिख रहा होगा विड्रॉ रिकॉर्ड में, मैं आपको दिखा देता हूँ कि यार आप ही के जैसे कुछ आ रहा था मेरे को विड्रॉल सक्सेस, लेकिन वो बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था। मतलब जो स्कैम आपके साथ हुआ वो सिमिलर मेरे साथ हुआ है, लेकिन वो बंदी ने क्या किया कि सारे जो ये है मतलब जो कॉन्टेक्ट वो मेरे नाम का बना दिया और पूरे ग्रुप में वायरल कर दिया। मैं आपको दिखा था कि उसने क्या क्या वायरल किया। तो यार इसके रिगार्डिंग हमने आज ही नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाके बात की एंड साइबर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के ऑथोरिटीज का गाइडेंस लिया है, ठीक है। तो यार मैं आपको बता दूं कि उन्होंने बेसिकली हमें इतना ही कहा है कि यार ये जो प्रोसेस है हम यहाँ पे प्रोसीड करेंगे, ठीक है, एंड हम पूरी कोशिश करेंगे जो भी ये फ्रॉड कर रहा है, जो भी यहाँ पे ये चल रहा है, उनको पकड़ने की, ठीक है। मोस्टली कैसा रहता है ना यार, ये जो फ्रॉड है वो हर रोज होते हैं इंडिया में, एंड रमी वगैरह जैसे गेम्स के थ्रू तो बहुत ज्यादा होता है ये फ्रॉड, तो ये कॉमन फ्रॉड हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए अपन बहुत कम यहाँ पे कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो जो है वो यूएस तो भाग गए, ठीक है। यूएस भागने के कारण अपने पास उनके उनके खिलाफ कुछ प्रूफ रहते नहीं है, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। तो यही एक प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि आप देखिए कि आप जो भी पैसे उनको फोन पे कर रहे थे वो पैसे किसी और को जा रहे थे। आपने देखा होगा कि जैसे कि आप स्क्रीनशॉट भेजते थे कि आप जैसे अपने 560 का रिचार्ज मारा, वो 560 उनको स्क्रीनशॉट भेजते थे वो कमला को, है ना, कि ये पैसे इनको ट्रांसफर हो गए, फिर वो आपको रिवॉर्ड देती थी, आपके अकाउंट में जो भी प्रोसेस चलती थी वो पैसे किसी और को ही जाते थे, है ना। और वो बता रही है कि यार ये जो प्रोसेस है वो मैंने की है करके, कुछ तो भी वो लॉजिक लगा रहे उस चीज के पीछे, ठीक है। मतलब कुछ भी अपने मन से फेंकना, ठीक है। तो यार मेरा और पुलिस का जो भी हमने ऑथोरिटी से बात की है उनका एक ही कहना कि यार एक ही सलाह दी है उन्हें बेसिकली कि यार आप जहां पे भी इन्वेस्ट करोगे ना एक बार जरूर चेक करें कि वो कंपनी सच में जेनाइन है क्या, सच में ट्रस्टेड है क्या, वहां पे इन्वेस्ट करने के बाद सच में वापस मिलता है क्या। क्योंकि हम नौकरी फाइंडर्स में आपको यही सलाह देते हैं कि हम जो भी कंटेंट डालते हैं वो बस इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है, बाकी आप जो भी इन्वेस्टमेंट करोगे वो आपके रिस्क पे रहेगा, इसमें हमारा कोई भी हाथ नहीं रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि जब कोई यूट्यूबर की लिंक पे क्लिक करके जो रजिस्टर करता है उससे हमको ज्यादा से ज्यादा 40-50 रुपए मिल जाते हैं, वो भी आप अगर किसी के साथ शेयर करते हो तो वो पैसे आपको भी मिलते हैं, बस इतना ही योगदान रहता है, बाकी कोई भी लेन देन नहीं रहता है, ठीक है। एक चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। तो यार आप इसके बाद जो भी यहाँ पे करोगे इन्वेस्ट करोगे किसी भी कंपनी में, तो यार एक ही करना कि एक बार ढंग से चेक कर लेना सच में मिलता है क्या, क्योंकि एक बार अगर फ्री का प्रोडक्ट यूज करोगे तो ऑब्वियसली आपको पता चलेगा कि कैसे क्या प्रोसेस होती है आगे में, है ना। एक बार इतना अमाउंट कभी भी नहीं डालना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एक बार ये गलती हुई है बार बार नहीं होनी चाहिए, इतना आप ध्यान में रखिए, ठीक है। विद दिस आई वॉन्ट टू आपका मेरे को सपोर्ट चाहिए या सबका कि बिल्कुल अपन जो ये प्रोसेस है इनको ये वीडियो जितना ज्यादा वायरल हो सके उतना वायरल करें, एंड आप सभी के और मेरे भी पैसे जो भी है वो रिटर्न आ जाए, ठीक है। तो मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी कि यार आज के बाद इस चैनल पे कभी भी इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन कंपनीज के वीडियो मैं नहीं डालने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरे को पता है कि भले कंपनी कितनी भी जेनाइन हो सकता है बाद में कोई इश्यू हो जाए, है ना, उससे बेटर है कि डालना ही बंद कर देते हैं अभी वीडियो, मतलब जो भी इसके बेसिस पर रहता है इन्वेस्टमेंट का। तो दिस सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।